नमस्कार दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 शुरू होने के बाद सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया कि अनूप जी जरा ये बताएं कि जब हम एम्प्लॉयर के पास में जाएंगे और अपना टीडीएस कटाने की बात होगी तो हम टीडीएस कटाते समय एम्प्लॉयर को क्या आंसर दें कि हमें न्यू स्लैब रेट से टीडीएस कटाना है या ओल्ड स्लैब रेट से टीडीएस कटाना है। ये बात तो बड़ी पक्की है कि बाय डिफॉल्ट स्कीम अब वित्त वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू स्लैब रेट ही होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों किसी भी एम्प्लॉयड क्लास को और अन्य करदाता को भी ओल्ड स्लैब रेट चुनने का ऑप्शन अवश्य होगा। अब आपके इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूं कि आपके लिए न्यू स्लैब रेट अच्छी रहेगी या ओल्ड स्लैब रेट अच्छी रहेगी, या और दूसरे शब्दों में कहूं किस परिस्थिति में आपके लिए न्यू स्लैब रेट अच्छी रहेगी और किस परिस्थिति में आपके लिए ओल्ड स्लैब रेट अच्छी रहेगी। तो आइए दोस्तों इसी विषय पर चर्चा करता हूं आपके साथ में, विच स्लैब टू ऑप्ट फॉर न्यू और ओल्ड। दोस्तों सबसे पहले आपके समक्ष कंपेरेटिव स्लैब रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 रख रहा हूं कि ओल्ड स्लैब रेट्स मैंने इस तरफ लिख दी और यहां पर मैंने न्यू स्लैब रेट्स लिख दी। ओल्ड स्लैब रेट क्या थी, वो अभी भी चालू रहेंगी कि 2.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर आपको निल रेट से टैक्स लगेगा यानी फाइनल टैक्स अमाउंट 0। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर दोस्तों 5% टैक्स लाइबिलिटी आएगी 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना है। 10 लाख से ऊपर की आय पर आपको 30% टैक्स रेट से टैक्स देना है। यानी इस चार्ट में अगर मैं ये मान लूं कि किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख रुपए की है टोटल इनकम, तो उस सज्जन को टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 23-24 के लिए आएगी 2,62,500। इसके बनस्पत अगर वो व्यक्ति न्यू स्लैब रेट में जाता है तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निल, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स आएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये 15 लाख तक की टोटल इनकम पर बनाया है, तो यहां पर टैक्स लायबिलिटी इन चार फिगर्स का टोटल होकर के होगी 1,50,000 रुपए। यानी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो न्यू स्लैब रेट में असेसी को 1,12,500 की बचत होगी। तो अगर मैं अपनी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊं या आप मेरी वीडियो से आगे न भी चलें तो आप तुरंत ये कंक्लूजन करेंगे कि अरे वाह अनूप जी, फिर तो हमारे को ओल्ड स्लैब रेट लेनी ही नहीं है, हमें तो न्यू स्लैब रेट लेनी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि जो टोटल इनकम की गणना हम ओल्ड स्लैब रेट में करते हैं और टोटल इनकम की गणना हम न्यू स्लैब रेट में करते हैं, वो टोटल इनकम के कैलकुलेशन में ही डिफरेंस है। जब कैलकुलेशन में डिफरेंस है तो अब किसी भी करदाता के लिए जानना जरूरी है कि ओल्ड स्लैब रेट की टोटल इनकम की गणना कैसे होगी, न्यू स्लैब रेट के टोटल इनकम की गणना कैसे होगी और फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। आइए दोस्तों अब आपके साथ में ये चर्चा शुरू करता हूं कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रहे कि ऐसे कौन से डिडक्शंस हैं जो न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलते। यानी अगर वो न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलते तो फिर वो ओल्ड स्लैब रेट में मिलते हैं। एचआरए एग्जम्पशन, जिसको बहुत सारे करदाता क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन दोस्तों न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलती परंतु ओल्ड में मिलती है। एलटीए की एग्जम्पशन, इसी प्रकार सेक्शन 10 क्लॉज 14 में कुछ अलाउंसेज हैं जिनकी एग्जम्पशन भी न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलती। इंटरेस्ट फॉर होम लोन विच इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोस्तों इसका भी डिडक्शन न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलता, ओल्ड स्लैब रेट में मिलता है। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80G, इनके भी डिडक्शंस दोस्तों हमारे को न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलते, केवल ओल्ड स्लैब रेट में ही मिलते हैं। और भी कुछ डिडक्शन है, 80E, 80TTA, 80TTB, ये सारे डिडक्शंस हमारे को न्यू स्लैब रेट में नहीं मिलेंगे, ओल्ड स्लैब रेट में ही मिलेंगे। अब दोस्तों आपके साथ ये चर्चा शुरू कर रहा हूं कि इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाले हैं, हु शुड ऑप्ट फॉर ओल्ड स्लैब रेट, किस करदाता को ओल्ड स्लैब रेट का सिलेक्शन करना चाहिए। इफ यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एचआरए एग्जम्पशन, एलटीए एग्जम्पशन, होम लोन इंटरेस्ट विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी,
contributions made under section 80C, 80CCD subsection 1B NPS, health insurance premium paid for which the deduction is claimed under section 80D, और इसके अलावा बहुत सारे अलग डिडक्शन जो सेक्शन 80D, 80E, 80G, 80TTA वगैरह में मिलते हैं। यदि आप ये सब डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इनके पर्पजेस से या पेमेंट किया हुआ है, तो आपको ओल्ड स्लैब रेट चुनने पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अपनी बात को दोस्तों सिद्ध करने के लिए आपके समक्ष एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, और यहां मैं ये ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट दोनों रेजिम में एसएससी की टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24। जैसे मैंने माना कि किसी सज्जन की सैलरी 20 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब सर दोनों परिस्थिति में मिलेगा, चाहे आप न्यू स्लैब रेट में हो चाहे ओल्ड स्लैब रेट में हो, तो 19,50,000 दोनों जगह पर सैलरी इनकम नेट आ गई। अब मैं मानता हूं इस व्यक्ति एक्स ने 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया होम लोन का इंटरेस्ट का, तो 2 लाख का डिडक्शन ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं। अगर मैं मान लूं कि इनको मिस्टर एक्स को सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी 25,000 रुपए का और अर्न हुआ है, तो इस प्रकार दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम ओल्ड रिजीम में 17,75 हुई जबकि न्यू रिजीम में 19,75,000 हुई। अब हम साथ साथ चैप्टर 6 के डिडक्शन पे चर्चा करते हैं कि मैं यदि मान लूं कि मिस्टर एक्स ने 80C का 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का दिया, एनपीएस में 50,000 कंट्रीब्यूट किया, 10,000 80TTB का डिडक्शन स्वयं मिलेगा, तो टोटल इनकम सर यहां पर 15,40 आई जबकि यहां पर 19,75,000। और अब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसा मत मानिए सर केवल टैक्स लायबिलिटी से डिफरेंस आ रहा है तो हमेशा न्यू रिजीम बेनिफिशियल होगी, कहां कितनी टोटल इनकम है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम अंडर ओल्ड रिजीम इज 274,500 whereas अंडर द न्यू रिजीम इट विल बी 292,500। इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने और जोड़ा तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी सर ओल्ड रिजीम में 20 लाख की इनकम पर 285,480 है जबकि न्यू में 304,200 है, तो फाइनली एसएससी को 18,720 रुपए बचे। तो ये प्रूव होता है यहां पर कि एसएससी को ओल्ड रिजीम में जाने से टैक्स लायबिलिटी कम लग रही है। अब दोस्तों आपको एग्जाम्पल 2 पे लिए चलता हूं कि मान लीजिए इनकम घट करके 15 लाख रुपए रह गई, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों में मैंने 15-15 लाख की इनकम मानी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया, 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मैं यहां पर इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहा हूं ओल्ड रिजीम में जबकि न्यू में नहीं मिलेगा, 25,000 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट सेम मान के चल रहा हूं। इधर ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी की है ओल्ड रिजीम में 12,75 जबकि न्यू रिजीम में होगी 14,75,000। मैंने पुनः सर 80C, 80D, 80CCD और 80TTB के डिडक्शन एज्यूम किए जबकि यहां पर न्यू रिजीम में इनमें से किसी का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो फाइनल टोटल इनकम सर यहां पे 10,40,000 है जबकि यहां पर 14,75 है। और आप देख सकते हैं कि ओल्ड रिजीम में टैक्स लायबिलिटी 1,29,480 है जबकि न्यू रिजीम में 1,50,000 है सर, तो एसएससी को 21,320 रुपए का टैक्स बच रहा है ओल्ड रिजीम में। यानी पुनः ये बात सिद्ध होती है कि ऐसा नहीं है कि न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियल होगी, अगर आप सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं जो आपको टैक्स छूट दिलाएंगे तो हो सकता है अभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम से ज्यादा बेनिफिशियल मिले। तो नेचुरली एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि चलिए अनूप जी वो भी तो बताइए कि किसको नया स्लैब रेट लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी चर्चा कर लेते हैं। If an assessee is not paying any house rent, क्योंकि वो HR exemption नहीं claim करेंगे, is also not paying any home loan interest for self-occupied property, not paying any NPS contribution, not contributing towards PF, life insurance premium, etc., and who is also not contributing towards the tax-related, tax-saving-related contribution. So then in that case, उस person को sir, फिर old slab rate की जगह new slab rate में जाना बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि देर आर सर्टेन इंसेंटिव्स फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम, जैसा कि बजट 2023 में वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा भी करी कि 87A की रिबेट ओल्ड स्लैब रेट में दोस्तों केवल 12,500 की मिलती है जबकि न्यू टैक्स रिजीम जो ऑप करेगा उसे 25,000 की रिबेट मिलेगी, पर तब तक जब तक आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं एक्सीड होती।
दूसरी बात, हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि ओल्ड स्लैब रिजीम में, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं ले, जबकि न्यू रिजीम में दोस्तों 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी नहीं ले। स्कोप फॉर क्लेमिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अब तक ओल्ड रिजीम में मिलता था वो अब न्यू रिजीम में भी मिल गया। तो ये तीन फैक्टर मेरी नजर में ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा व्यापक या ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने की ओर लेके जाएंगे। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल रख रहा हूं कि कब न्यू स्लैब या न्यू रिजीम बेनिफिशियल होगी। जैसे मैंने ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के दो कॉलम बनाए, सैलरी एसएससी की 20 लाख मान ली, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दोनों जगह मिला, नेट सैलरी इनकम 19,50,000। अब मैं मान लेता हूं कि होम लोन का इंटरेस्ट ये सज्जन पे तो कर रहे हैं पर मात्र 1 लाख का पे करा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 25,000, टोटल 18,75,000 इधर इनकम, जबकि न्यू स्लैब रिजीम में 19,75,000 की टोटल इनकम। अब मैं मान लूं कि इन व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने 1.5 लाख का ATC कॉन्ट्रीब्यूट किया, ATD में 25,000 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, एनपीएस में ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते एक्स्ट्रा, ATTTB का 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब आप देखिए दोस्तों, टोटल इनकम यहाँ 1690 है जबकि यहाँ पे 1975 है, पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर सर 3,32,000 है, जबकि न्यू रिजिम में फाइनल टैक्स लायबिलिटी 3,04,000 होगी, तो आपको 28,000 की बचत है। अब ये व्यक्ति डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स टैक्स इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट्स वुड बी इंटरेस्टेड और इंक्लाइंड टू गो टुवर्ड्स द न्यू रिजीम। मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपसे ये चर्चा करी कि आप ये देखिए कि आपको ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, और इस एग्जाम्पल में ये चर्चा करी कि देखिए न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम से ज्यादा बेनिफिशियल हो रही है। तो फाइनल आंसर वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि आपने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए। दोस्तों अब आपसे ये चर्चा कर रहा हूं एक चार्ट के रूप में, जो कि एक शॉर्टकट है, आपको समझने में हेल्प करेगा ये चार्ट। हालांकि मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि ये चार्ट में फिगर्स आपको काफी छोटे दिख रहे होंगे, कि एक और सर इस चार्ट में डिडक्शंस लिखे और एक और उस व्यक्ति की, मान लीजिए मिस्टर एक्स की इनकम लिखिए। आप इसे अपना केस भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की 5.5 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम है, ठीक है, 5.5 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम है सैलरी से, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो उनको टैक्स लायबिलिटी न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में सेम आएगी। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे न्यू रिजीम में चले चाहे ओल्ड रिजीम में जाए, टैक्स लायबिलिटी उनकी नीली होने वाली है, और कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बढ़ता भी जाएगा तो भी सर टैक्स लायबिलिटी सेम रहेगी। अब बात करते हैं 6.5 लाख रुपए की अगर ग्रॉस इनकम हो गई और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस व्यक्ति ने, तो ऐसी परिस्थिति में सर आप समझे कि न्यू रिजीम के अंदर टैक्स लायबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वहां तो 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लग रहा है। ऐसे ही यहां पर भी देखिए सर, टैक्स लायबिलिटी विल बी निल हेयर, सो न्यू रिजीम विल बी मोर बेनिफिशियल। लेकिन अगर मैं ये मानू कि व्यक्ति 1 लाख तक के कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं 6.5 लाख की ग्रॉस इनकम पर, तो 6.5 लाख की ग्रॉस इनकम पर 1 लाख का मान लीजिए ATC का कंट्रीब्यूशन किया, तो चाहे ये व्यक्ति न्यू रिजीम ले चाहे ओल्ड रिजीम ले, टैक्स लायबिलिटी सेम होगी। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं, 8 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल लेता हूं, या थोड़ा और दूर चले चलते हैं दोस्तों, कि किसी के 10.5 लाख रुपए की इनकम है, 10.5 लाख रुपए की इनकम पर बाय डिफॉल्ट अगर उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है ATC, NPS, HRA एक्सेट्रा, तो दोस्तों टैक्स लायबिलिटी अंडर द न्यू रिजीम विल बी लोअर टू हिम। कब तक? जब तक उनके डिडक्शन का क्वांटम 2,62,500 से एक्सीड नहीं कर जाता। अगर वो डिडक्शन का क्वांटम 2,62,500 से ऊपर का लेंगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2,87,500, तो यू विल सी देन इन दैट केस उस व्यक्ति को ओल्ड रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए किसी की 14,50,000 की इनकम है, और मैं इधर से आपको आगे लिए चलता हूं, और उन्होंने 3,75,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, तो आप देखिए सर उनको ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। लेकिन अगर उनके कंट्रीब्यूशंस या डिडक्शंस मात्र 3,50 तक के हैं, तो उनको सेम इफेक्ट रहेगा न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में, और अगर इससे कम के कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सर बाय डिफॉल्ट उस व्यक्ति के लिए न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आई होप ये चार्ट भी आपको निर्णय करने में हेल्पफुल रहेगा। अब जिस प्रकार दोस्तों मैंने सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एक चार्ट आपके समक्ष रखा, उसी प्रकार नॉन सैलरीड पर्सन के लिए भी एक चार्ट इसी वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रख रहा हूं।
आपको अगर ध्यान हो तो वहां मैंने पहला फिगर 5.5 लाख लिया था, यहां मैं 5 लाख से शुरू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जबकि नॉन सैलरीड को नहीं मिलेगा। तो वहां पर मेरा जो गैप आ रहा है, एक साइड तो डिडक्शंस, एक साइड ग्रॉस इनकम। फॉर एन एग्जाम्पल, हम 8 लाख की इनकम मान ले एक सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो सर 8 लाख की इनकम पर जब तक ये व्यक्ति 1,62,500 तक के ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इनको न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। अगर इन्होंने 1,87,500 के कॉन्ट्रीब्यूशन किए तो इनको दोनों जगह सेम टैक्स आएगा, और अगर इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बढ़ाते गए 2,12,500 यानी 1,87,500 ऑनवर्ड, तो सर इन सज्जन को ओल्ड रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आई होप ये चार्ट भी आपको आपके निर्णय की प्रक्रिया में काम आएगा। अब की पॉइंट्स टू हेल्प यू फॉर चूजिंग अ रिजीम, कि आप जब फाइनली किसी रिजीम को चुनेंगे तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको की पॉइंट के रूप में आ देता हूं। इन केस टोटल डिडक्शंस आर ₹1.5 लाख और लेस, अगर आपके टोटल जो डिडक्शंस है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो 1.5 लाख या उससे कम के हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके टोटल डिडक्शंस का कॉन्ट्रीब्यूशन 3,75,000 से ज्यादा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ओल्ड रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आपके टोटल डिडक्शंस का क्वांटम 1,50,000 से 3,75,000 के बीच है तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा इनकम के लेवल पर और कंट्रीब्यूशन के लेवल पर। तो ये कुछ सूत्र जो मैं समझ पाया आपके समक्ष। तीन और क्वेरीज या सजेशन जो मेरे दिमाग में थे दोस्तों, यहां पे देना चाहूंगा। नंबर वन, कैन ऑप्शन क्लेम बिफोर एम्प्लॉयर में बी चेंज वाइल फाइलिंग आईटीआर? यस सर, आपने ओल्ड रिजीम चुन ली एम्प्लॉयर से तो आप रिटर्न भरते समय न्यू रिजीम ले सकते हैं, आपने न्यू रिजीम चुन ली तो आप ओल्ड रिजीम में भी जा सकते हैं, वो कॉल असेसी की रिटर्न भरने से। व्हाट इफ डिक्लेरेशन इज गिवन टू एम्प्लॉयर बट नो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ईयर एंड, तो क्या करेंगे सर? फिर एम्प्लॉयर को मान लीजिए आपने न्यू रिजीम दिया, ठीक है, या मैं मानू ओल्ड रिजीम क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो ओल्ड रिजीम है, और आपने ईयर एंड पर डिडक्शन नहीं किया, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? फिर आपके ईयर एंड पर न्यू रिजीम लगा के अगर टैक्स ज्यादा डिडक्टेबल है तो ही विल डिडक्ट, ही विल एंश्योर द टैक्स इज डिडक्टेड एट द हायर अमाउंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इवन वेन नो डिडक्शन आर अलाउबल। सर ये भी एक रिस्क है कि जब न्यू रिजीम प्रमोट हो रही है तो वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से असेसी को बचा रही है, बचा तो रही है, पर हमारी बचत करने की आदत पर कहीं अटैक ना हो जाए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी होगी। अंत में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तक ये मैसेज पहुंचाने में जरूर सक्षम रहेगी कि आपको अपने लिए ओल्ड रिजीम लेनी है या न्यू रिजीम लेनी है, उसको डिसाइड करते समय आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं एक लीगल लैंग्वेज में दूं तो ये कह सकता हूं कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिटरमाइंड इन रेफरेंस टू ईच एंड एवरी असेसीज केस। तो आप अपने केस में अपनी टोटल इनकम स्वयं डिटरमाइन करें, टोटल इनकम दोनों परिस्थिति में अलग आएगी, न्यू रिजीम में अलग, ओल्ड रिजीम में अलग, और उसके हिसाब से आपको जिस रिजीम में कम टैक्स लाइबिलिटी आती हो, आप एम्प्लॉयड से टीडीएस कटाते समय और रिटर्न भराते समय उसी ऑप्शन के अनुरूप चलेंगे। सो आई होप यू हैव फाउंड द वीडियो वर्थ वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय।